मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। परागण की विधियाँ, जी हाँ मित्रों, इसमें हम परागण की विधियों का अध्ययन करने वाले हैं। जनरली यहाँ पे वायु, जल एवं जंतु परागण तीन प्रकार का परागण होता है। फोर्थ नंबर का कृत्रिम परागण होता है जो मनुष्य द्वारा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ में यहाँ पे जो जंतुओं द्वारा परागण होता है, जैसे एंटमोफिली, आर्निथोफिली, मलेकोफिली, मिर्मिकोफिली और कीरोप्टेरोफिली, जिसे सबसे अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका यहाँ पे आपको डिटेल मिलने वाला है। ये आपका इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट का वीडियो है, तो आइए देखते हैं पूरा डिटेल में। जी हाँ मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने परागण का डिफिनेशन देख लिया है। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ लिया। जो नहीं देखे हैं इससे पहले की वीडियो, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। मित्रों पूरा वीडियो देखने से पहले यदि आप इस चैप्टर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके जो भी वीडियो अपलोड मैं करता हूँ उसका आप तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको, आपके पास बुक भी नहीं है तो भी आप यहाँ से बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन आपको वीडियो ही नहीं मिलते, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाता है। आप स्क्रीन शॉट की सहायता से या स्वयं लिख करके अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। वो केवल इंटरमीडिएट के लिए ही यूजफुल नहीं होगा, कंपटीशनों के लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि यही सिलेबस बहुत सारे कंपटीशनों में बायोलॉजी का आता है या विज्ञान के अंतर्गत ही पोर्शन आता है। इसमें हम लोग परागण की विधियाँ, जनरली यहाँ पे चार विधियाँ हैं, वायु, जल, जंतु एवं कृत्रिम परागण पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जंतु परागण के प्रकार हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जो यहाँ पे पांच प्रकार हैं, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परागण की विधियाँ हैं किस बेसिस पे हैं ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, परागण की विधियों में परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। इसमें आपको बताया गया जो परागण जनरली पर परागण है, उस एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प तक के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो परागकण है जिसे मेल सेक्स ऑर्गन आप कहते हैं, और जो स्टिग्मा है जिसे आप फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, वहाँ तक परागकणों का पहुँचना स्वयं संभव नहीं हो पाता, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो साधन है वो वायु, जल तथा जंतु हैं। वायु, जल जनरली जो होते हैं ये अजैविक माने नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर हैं, तथा जंतु परागण के लिए, जंतु जो है परागण के लिए जैविक कारक माने लिविंग या इसे बायोटिक फैक्टर आप कहेंगे। तो यही तीन मुख्य रूप से माध्यम हैं जो परागकणों को माने मेल सेक्स ऑर्गन को फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इसके आधार पर परागण को निम्नलिखित तीन भागों में या तीन प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे वायु परागण को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली, जल परागण को हाइड्रोफिली और जंतु परागण को हम लोग जूफिली बोलते हैं। अब यहाँ पे जो जंतु परागण है इसका हम लोग पहले यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पुष्पों में जंतु द्वारा होने वाले परागण को हम लोग जंतु परागण कहते हैं। नाम से ही पता चला, बहुत सिंपल है कि पुष्पों में जंतुओं द्वारा जब परागण होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे जूफिली या जंतु परागण बोलेंगे। और जल परागण, सॉरी जंतु परागण साधारणतः कीटों, पक्षियों और चमगादड़ों द्वारा होता है या घोंघों द्वारा होता है। इस प्रकार यह निम्न प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, और आप यहाँ केयरफुली देखते हैं तो आपके इंटरमीडिएट में और बहुत सारे कंपटीशनों में आपको हेल्प करने वाला है। तो यहाँ जैसे देखते हैं, सबसे पहले एंटमोफिली का मतलब होता है कीट परागण, कीटों द्वारा जब परागण होगा तो उसे आप बोलेंगे एंटमोफिली। पक्षी परागण बोलते हैं इसे आर्निथोफिली बोलते हैं, आर्निथोफिली माने होता है पक्षी परागण। नेक्स्ट है मलेकोफिली, घोंघा परागण, या मिर्मिकोफिली का मतलब होता है चीटी परागण, और यहाँ पे चमगादड़ परागण बोलते हैं हम लोग कीरोप्टेरोफिली। तो ये पांच प्रकार के परागण है जिसका आप लोग यहाँ पे डिटेल देखने वाले। इसमें आपको जानना क्या है, तो नाम से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि एंटमोफिली या मलेकोफिली या मिर्मिकोफिली का मतलब क्या है, साथ ही साथ ये कैसे होता है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको इसमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीट परागण में कौन से कीट हैं जो एंटमोफिली में हेल्प करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं, जैसे बीटल, ततैया, वास्प जिसे बोलते हैं आप, मधुमक्खी, तितली, बिना उड़ने वाला कीट जिसे स्लब मोथ बोलते हैं आप,
ये कीट परागण के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ कीट दिन में खिलने वाले पुष्पों पर पाए जाते हैं या जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नाम प्रदर्शित हो रहा है। रात में खिलने वाले पुष्पों पर भी कुछ जाते हैं, जैसे मौत। लगभग 80% कीट परागण मक्खियों अथवा मधुमक्खियों द्वारा होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम जो परागण है, पॉलिनेशन जो है, किसके द्वारा होता है? तो कीट परागण मुख्य रूप से होता है मक्खियों और मधुमक्खियों द्वारा। कीट परागित पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन। अब कीटों द्वारा जो परागण होता है उसके लिए पुष्पों में क्या अनुकूलन है, माने क्या क्वालिटी है? कोई भी कीट किसी पुष्प के पास क्यों जाता है, उसमें कौन से फीचर्स हैं जो कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? जैसे आप किसी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई उसमें विशेष क्वालिटी होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से आप जाएंगे। वैसे यहाँ पे कीट भी किसी फ्लावर के पास ऐसे ही नहीं जाते, उनमें कोई विशेष क्वालिटी होगी, अट्रैक्शन होगा, स्मेल होगी, उसी के बेसिस पे जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे करेक्टर हैं जिसको हम लोग यहाँ ध्यान से देखने वाले। देखिए, सबसे पहले तो जो फ्लावर में क्वालिटी होती है वो होती है उसका कलर। बहुत सारे फ्लावर आप देखते हो कलरफुल होते हैं, तो कीट जो होते हैं परागित पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग के होते हैं। कभी कभी दल व उनके परिदल, उनके कैलिक्स करोला जो होते हैं, साथ साथ सापत्र, वाह दल और पुंकेसर भी रंगीन होते हैं। और रात्र में खिलने वाले पुष्प प्रायः सफ़ेद रंग के होते हैं, क्योंकि रात्र में आपको सफ़ेद कलर दिखता है और रात्र में कीटों को ये आकर्षित कर सकें। तो परागण तभी संभव है जब कीट उनके पास जाएंगे, वहाँ से परागकणों को ले जाकर दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र तक पहुँचाएंगे, तब संभव होगा जब फ्लावर में अट्रैक्शन पावर होगी। दूसरा क्या है, सुगंध। उन पुष्पों में सुगंध है तो भी कीट उनके पास जाएंगे। रात में खिलने वाले पुष्पों में तेज सुगंध होती है और दूर दूर से कीटों को आकर्षित करती है, जैसे रात की रानी है, हर श्रृंगार है जिसे निक्टेंथिस बोलते हैं, जैस्मिन और कुछ क्वेलिस इंडिका मालती है। कुछ पौधों से निकली गंध हमारे लिए भी असह्य होती है, किंतु कीटों को वह बहुत पसंद आती है, जैसे रिप्लीसिया जो फ्लावर है उसमें सड़े मांस या काली एरम से मनुष्य के मल जैसी दुर्गंध आती है, लेकिन बहुत सारे मल भोजी मक्खियों के लिए वो यूजफुल होता है। तीसरा, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, अब ऐसे डिटेल में आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक एक बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, थर्ड नंबर दिया है मकरंद, फोर्थ नंबर दिया है परागकण, और फिफ्थ नंबर दिया है पुष्पों का आकार और वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मकरंद की बात करेंगे। मकरंद को बोलते हैं नेक्टर। मकरंद पुष्पों में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियों में बनता है और इन ग्रंथियों को मकरंद कोष कहते हैं। यह कीटों, विशेषकर तितलियों, मधुमक्खियों व मक्खियों को आकर्षित करता है। मकरंद होता क्या है, ये कीटों के लिए भोजन का कार्य करता है, इसीलिए कीट जो होते हैं पुष्प पर जाते हैं, और जब वहाँ पे जाते हैं तो अनजाने में परागकण इनके पैरों के चारों ओर चिपक जाते हैं या पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब दूसरे पुष्प पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट वन है इसमें परागकण। पोलन के नाम आपको पहले ही बताया गया कि संख्या में कम होते हैं तथा चिपचिपे या शल्यमय होते हैं, जो आसानी से कीट के शरीर पर चिपक जाते हैं, और बहुत से कीट जब भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं तो उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, इसे आप नर युग्मक भी कहते हैं। पुष्पों का आकार क्या होता है, कीट परागित पुष्प बड़े व भड़कीले रंग वाले होते हैं, और छोटे पुष्प जो होंगे वो गुच्छों में होंगे, और उनका पुष्पक्रम इस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और पुष्प इन कीटों को दूर से ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन है वर्तिकाग्र। कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दल पुंज के भीतर स्थित होता है और यह चिपचिपा या खुरदरा होता है, जिसे ये परागकण जो है कीट की सतह पर आसानी से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, कैरियर का रोल प्ले करते हैं। सेकंड आते हैं यहाँ पे हम लोग आर्निथोफिली, जिसे हम लोग पक्षी परागण बोलते हैं। सेकंड वन देखते हैं, पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन व गंधहीन होते हैं, इनमें मकरंद होता है, मकरंद माने उनका भोजन होता है, इससे पहले हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। गुंजन करने वाली चिड़िया जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं आप, या शहद की चिड़िया जिसे निक्टेरिना अफ्रा बोलते हैं, या कौवा तथा मैना द्वारा परागण होता है पक्षी परागण में। ये लोग मधुपान के लिए सात पक्षी दलपुंज की नली में माने चोच में अपना इंटर कराता है, तो उसके वक्ष या सिर पर चिपचिपे परागकण लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस बार परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचते हैं, और पक्षी परागित पुष्प प्राय लाल रंग के होते हैं। एक क्वालिटी यहाँ पे भी है कि जो पक्षियों द्वारा परागण जिन पुष्पों में होना है वो रेडिश कलर के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया एक दो का नाम, तो एग्जांपल आपको याद भी रखना, जैसे बिग्नोनिया है, गुंजन करने वाली चिड़िया इस पर जाती है, स्टिलिजिया है,
इसमें शहद वाली मक्खी जाती है। सेमल तथा पागड़ में कौवा या मैना द्वारा परागण होता है। कभी कभी जैसे टिपिकल क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं मेडिकल में, बी फार्मा या बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में, तो थोड़ा टिपिकल पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। और थर्ड वन चलते हैं, इसे बोलते हैं मलेकोफिली या घोंघा के द्वारा परागण होता है। आपको वहाँ घोंघा परागण नहीं देगा, मलेकोफिली दे देगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको लर्न कर लीजिए। सूरन कुल के पौधों जैसे एरियोइड्स, जैसे जिमीकंद जिसे बोलते हैं एमारफोफिलस बोलते हैं, या एलिफेंट फुट बोलते हैं इसको आप, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी या सरपादर जिसे एरिसीमिया, में कीटों के अतिरिक्त घोंघों द्वारा भी परागण होता है। मैंने इनमें कीटों द्वारा तो होता ही है, साथ साथ स्नेल्स के द्वारा भी होता है। इन पौधों में पुष्पक्रम स्पेडिक्स टाइप का होता है। अभी आगे हम लोग फैमिली देखेंगे, एक चैप्टर है, तो वहाँ पे इस पुष्पक्रम कितने प्रकार के होते हैं क्या है वो आप वहाँ जान सकेंगे। मादा पुष्प इसके आधार पर नर पुष्प की ओर लगे रहते हैं। इन पुष्पों में मादा पुष्प पहले पकते हैं, परिपक्व होते मतलब, और परागकणों को दूसरे स्थूल मंजरियों से जिनमें नर पुष्प भी पक चुके हैं, चित्र यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, द्वारा परागण होता है, और ये पुष्प के मध में एकत्रित करते रहते हैं इसको। फोर्थ नंबर पर चलते हैं मिरमिकोफिली, जिसे आप लोग चीटी परागण बोलते हैं। चीटियाँ भी परागण में मेजर रोल प्ले करती है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पुष्प मकरंद से भरे किंतु इतने पतले होते हैं कि उनमें चीटी के अतिरिक्त अन्य कुछ और प्रवेश नहीं कर पाता। मकरंद आपको बार बार बताया गया कि कीटों का भोजन है जिसे वो ग्रहण करते हैं। ऐसे पुष्पों में चींटी सहजीवी के रूप में रहती है, माने उसमें अपना जीवन यापन भी करती है। उसे पुष्पों से मकरंद मिलता माने भोजन के रूप में, तथा बदले में पुष्प में परागण होता है। तो ऐसा किस में होता है? कदंब जिसे बोलते हैं एंथोसिफेलस में, इस प्रकार के प्लांट में चींटी परागण होता है। तो आपको तीन चार प्लांट का नाम दे देंगे, उसमें एक ये भी रहेगा, और पूछ लेंगे किसके द्वारा इनमें परागण होता है, या इसका नाम दे करके पूछ सकते हैं। कई सारे कीटों के नाम लिख करके उसमें चींटी भी लिख के कि इनमें किसके द्वारा परागण होता है आप आसानी से बता सकेंगे। नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कीरोप्टेरोफिली की बात करते हैं। यदि आपको ये ना दिया जाए चमगादड़ परागण, कीरोप्टेरोफिली दे दिया गया तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए इसे आप यहाँ इसका मीनिंग भी दिया गया साथ में लर्न कर सकते हैं। कचनार कदम में चमगादड़ों द्वारा परागण क्रिया होती है। मुख्य रूप से आपको उदाहरण याद करना है, कीट फल मकरंद तथा परागकणों की खोज में ये पेड़ पौधों पर जाते हैं, और पुष्पों के गंध द्वारा भी उनमें अट्रैक्शन के द्वारा वहाँ जाते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, और वहाँ से चमगादड़ जो है रात्रि के समय इनके परागकणों को ला करके परागण में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जिसको हमने पहले नंबर पे शो किया जबकि ये तीसरे नंबर पे था। अब बात करते हैं वायु परागण, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका यही था। वायु परागण भी देख लेते हैं इजी वे में। पौधों में वायु द्वारा होने वाले परागण को हम लोग वायु परागण कहते हैं, और ये पुष्प जो होते हैं वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं। जो वायु परागण हो रहा है किसी पुष्प में कब होगा? जब उसमें ऐसी क्वालिटी होगी कि वो उसमें वायु द्वारा प्रागण संभव हो सके। जैसे अभी तक देखिए कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा कलर की आवश्यकता पड़ती थी, अट्रैक्शन की आवश्यकता है, सुगंध की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब तो यहाँ कीट नहीं है, वायु है, तो उसके लिए फ्लावर में अलग क्वालिटी होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आकर्षणहीन पुष्प, नेचर ने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि इसमें कोई आकर्षण नहीं होगा। वायु परागित पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं, अर्थात ये ना तो चमकीले रंग के होते हैं, ना इनमें कोई गंध होती है, और ना ही इनमें मकरंद होता है, क्योंकि वायु को भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें परागण आसानी से हो जाता है। दूसरा है कि एक लिंगी पुष्प होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होते हैं एक लिंगी पुष्प होते हैं, और ये पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं जैसे, या फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं, जैसे पॉपुलर में ऐसा होता है। तीसरा फीचर इसमें अल्प विकसित वायु दल या दल होता है। तो वायुदल एवं दल या तो होते ही नहीं हैं या फिर छोटे होते हैं, जिससे परागकणों और वर्तिका के बीच रुकावट न बन सके और वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सके। नेक्स्ट है परागकणों की अधिक मात्रा। अब कीट थे तो एक कीट आगे बैठेगा, थोड़ा सा भी परागकण चिपक गया तो पहुँचा देगा, लेकिन वायु के द्वारा बहुत सारे परागकण रहेंगे तभी पहुँच पाएंगे। नेचर ने इस तरह डिजाइन किया, आप देख सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वायु के झोंकों के साथ परागकणों की अधिकांश मात्रा इधर उधर गिरकर नष्ट हो जाती है, और फिर थोड़े से परागकण ही परागण क्रिया संपन्न कर पाते हैं। जैसे मक्का में ऐसा होता है, रूमेक्स में होता है, और लगभग 2 करोड़
40 लाख परागकण ये उत्पन्न करता है। जब वायु चलेगा बहुत तेज हवा का झोंका तो बहुत सारे परागकण दूसरे स्थानों पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, परागकण छोटे शुष्क व हल्के होते हैं। भाई बहुत भारी भरकम होंगे तो उसको वायु ले नहीं जा पाएगी, तो परागकण छोटे शुष्क व हल्के होते हैं जिससे ये वायु में आसानी से उड़ सकें। कुछ पुष्पों जैसे चीड़ के परागकण पंख युक्त भी होते हैं, पाइनस जिसे बोलते हैं, और उन्हें उड़ने में बड़ी सहायता होती है। लंबे पुंकेसर पुतंत होते हैं, पुंकेसर के जो पुतंत हो प्रायः लंबे और पतले होते हैं और पुष्प के बाहर निकले रहते हैं जिससे वायु के झोंकों के साथ ही आसानी से उड़ सकें। ये भी लक्षण है पॉपुलर का। नंबर 7, मुक्त दली परागकोष होते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे घास है या ताड़ है, पुष्पों में परागकण अपने पुतंतुओं पर झूलते हैं, अर्थात परागकोष का निवेशन इनमें होता है और इसलिए मुक्त दोली आप कह सकते हैं वर्सेटाइल होते हैं और ये आसानी से वायु में झूल सकते हैं। लास्ट वन इसका है लंबा वर्तिकाग्र। इनमें वर्तिकाग्र जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा होता है और पुष्प के बाहर निकला होता है। और मित्रों ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर देंगे, आपको लाइक करने से हम लोग मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने में प्रयास करूँगा। और इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अभी लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बताना होगा, पीछे वीडियो मेरा देखें कि जो चमगादड़ों द्वारा परागण होता है किसमें होता है, वो आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो यहाँ देखते हैं, ये रोम युक्त या चिपचिपा होता है। मक्का में वायु परागण पुष्प क्रम शिखर पर तथा मादा पुष्प में पत्ती के कक्ष के नीचे की ओर लगता है और मादा पुष्प स्थूल मंजरी रेशमी धागे के समान 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी वर्तिकाग्राएं इसमें होती हैं जिनके पुष्पों में असंख्य परागकण तथा इनके पुष्पों में असंख्य परागकण भरे होते हैं। नेक्स्ट वन एक और है, थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं, जल परागण। तो जल परागण केवल जलीय पौधों में ही होता है और ऐसा परागण जो जल के द्वारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं जलीय परागण। किसमें होता है, एक दो नाम आपको याद करने की आवश्यकता है। एक तो होता है सेरेटोफिल्लम में और दूसरा है जुस्टेरा में, या हाइड्रिला जो जलीय पौधा है, वेलिशनेरिया है, तो इन चारों में ये आप उदाहरण के रूप में याद कर सकते हैं। कौन कौन से, सेरेटोफिल्लम, जुस्टेरा, हाइड्रिला तथा वेलिशनेरिया। अब जो जल परागित पुष्प होते हैं उनमें कुछ क्वालिटी पाई जाएगी। क्या क्वालिटी है कि जल परागित पुष्प वायु परागित पुष्पों की भांति छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं जिससे पानी की सतह पर तैर सकें। इसके इनके चारों ओर श्लेष जैसे पदार्थ का आवरण होता है जो इन्हें पानी में सड़ने से बचाता है। और लास्ट वन है कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण तो मनुष्य द्वारा होता है, जो हम लोग पौधे के किसी भाग को काट करके या कलम करके और नया पौधा उसे उगाते हैं। तो ये पूरा डिटेल था और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, डिटेल में से हम लोग पढ़ेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें आप कह सकते हैं डिनिशिएशन का इम्पॉर्टेंट भी हम लोग उसमें पढ़ लेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित और आगे की जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हमें पार्ट 5 में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।